नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार के पूर्णिया शहर में इन दिनों लगातार की घटना को चोरों ने अंजाम दे रहे हैं। पूर्णिया में चोरी की घटना बढ़ गई है, इसको लेकर आम आवाम काफी परेशान है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रात में पुलिस की गश्ती गाड़ी चलने के बाद भी चोरी बढ़ गई है, प्रशासन ढोल मोल रवैया अपना रही है। हालांकि 5 दिसंबर को एक बैठक की जाएगी जिसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाकर इसकी चर्चा की जाएगी। वहीं स्थानीयों ने बताया कि चोरी बढ़ने का कारण है स्मैक, जिसको लेकर स्मैक नशा का लत लग गया, उसे एक दिन में 3 बार स्मैक का नशा करना है। अगर स्मैक नशा नहीं किया गया तो नशेड़ियों का सर में काफी दर्द होता है और वह कोई काम करते नहीं, इसलिए चोरी कर स्मैक का नशा करते हैं। स्मैक बिकना बंद हो जाए तभी चोरी बंद हो पाएगी। कि सर रविवार को सर्वदलीय बैठक जो सब सारे व्यवसायिक संघों के जितनी भी दल है सब एक साथ होकर शासक के खिलाफ जो है चोरी और स्मैक और ये जो नशा का जो बाजार में जो हो रखा है, चोरी हो रही है, छिनतई जो हो रही है, जिसके विरुद्ध जो है सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या प्रशासन जो है सजग नहीं है, और व्यापारियों के FIR होने के बाद भी उसका जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। यदि व्यापारी थाना में जाते हैं और बोलते हैं कि क्या नाम है वहाँ हमारा जो चोरी हुआ है या उसके जो थाना अध्यक्ष है या फिर जो IO रहते हैं वो आनाकानी करते हैं या कोई सही जवाब नहीं देते हैं, उसका जो है अस्पष्ट जो है वो लोग कुछ क्लियर करते नहीं है। प्रशासन होना चाहिए कि व्यापारी से उनके जवाबों से संतुष्ट हो, ऐसा जवाब देना चाहिए, इसमें कुछ निराकरण निकलना चाहिए। जिसका कोई आज 2 या 3 महीने से इतने भी छिनतई और चोरी हो रही है, इसका कोई भी कार्रवाई हुआ नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन इस पर ध्यान दे कि व्यापारी परेशान ना हो, इसके लिए हम लोग अपनी बैठक कर रहे हैं और जो भी रविवार को जो भी बैठक होगी इसमें जो निर्णय होगा, यदि सरकार या प्रशासन इस पर क्या नाम है अंकुश नहीं लगाएगी तो व्यापारी सब गोलबंद हो के इसके प्रशासन के विरुद्ध अपने करेंगे। अभी जो विधि व्यवस्था खराब हो गई है और चोरी की और घटनाएं हो रही हैं, उसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है और प्रशासन या पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही नहीं साथ दे रहा है। जो भी हमारी मांग है उसको अभी हमारे आदित्य केजरीवाल जी ने रखा है सामने। हम चाहते हैं कि विधि व्यवस्था में सुधार हो और इसके लिए अपना प्रतिबद्धता दिखाए, यही हमारे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बैठक ये बुलाई गई है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, विगत 1 महीने से जो शहर की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, वो पूरी तरीके से चरमराई गई है। आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं और चोरी की घटना भी एक अलग तरीके की हो रही है, क्योंकि सामान में ट्रक लगा करके पूरे गोडाउन से पूरे माल को लेकर के, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ों को लेकर के व्यापारियों में बहुत ज़्यादा जो है वो भय का दिख रहा है। और अभी भी जैसे कि बानू जी ने बताया कि अगर सहयोग का रवैया अगर प्रशासन की तरफ से नहीं रहा तो व्यापारी भी जो है वो असहयोग करेंगे प्रशासन के साथ, और असहयोग आंदोलन के रूप में जो है इसी को हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जिस थाने में इस तरह की घटनाएं होती है वहाँ FIR को लॉज करने में भी व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उल्टे वो अगर थाना में जाते हैं तो उनके ऊपर ही जो है 4 तरह की जो है उल्टी बातें उनके सामने में आती हैं, तो व्यापारी सभी लोग व्यापारियों को बिल्कुल दबाव महसूस करते हैं, तो और उनको दबाने की जो कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर यही रवैया प्रशासन का रहा तो व्यापारी जो है इसको एक आंदोलन की शक्ल देंगे, और अभी जो आज निर्णय लिया गया है कि सभी लोग मिल करके जितने भी शहर के व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और इस चीज़ों को जो है मतलब बहुत मुस्तैदी के साथ जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि शहर की व्यवस्था वो सुदृढ़ रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर और अर्थव्यवस्था के लिए व्यापारी उस चीज़ों को संभालते हैं, तो अगर व्यापारियों में इस तरह का अगर भय रहेगा तो आगे बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के भी चर्चाएं हुई कि रात में जो है गश्ती वगैरह जो है वो पुलिस प्रशासन से ऐसी उम्मीद की जाती है कि रात में जो गश्ती है वो मिडनाइट में जो चोरी की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं उस समय में जो है गश्ती को थोड़ा सा और सक्रिय किया जाए,
और जो ट्रिपल लोडिंग वगैरह की जो घटना। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।